जालौन में नशे में धुत शराबी युवकों का हाई वोल्टेज ड्रामा, मारपीट का सीसीटीवी आया सामने। शराब के नशे में धुत युवकों के दो गुट आपस में भिड़े, एक दूसरे से मारपीट के बाद की पत्थरबाजी, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अयोध्या में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, जमीन कब्जाने को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट, लाठी डंडे भी चले, दोनों तरफ से 6 लोग हुए घायल, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। प्रतापगढ़ में मुहर्रम के पहले शुरू हुई स्टंटबाजी, लगाई गई विवादित होर्डिंग्स, बंगाल मुंबई और दिल्ली के मौलाना इमाम और आजम खान की फोटो के साथ टीपी कॉलेज की बाउंड्री पर लगाई गई विवादित होर्डिंग्स। मिर्जापुर में जारी है गंगा का रौद्र रूप, मकान को अपने साथ बहाकर ले गई गंगा, वीडियो हुआ वायरल, शहर कोतवाली के बरिया घाट में देखने को मिला ये नजारा। कौशाम्बी में उफंती नदी में स्टंटबाजी करते युवकों का वीडियो हुआ वायरल, एएसपी ने दिए मामले की जांच के निर्देश। गाजीपुर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, सैकड़ों गांव गंगा से प्रभावित, लोग अपना घर छोड़कर खुद अपने पशुओं के साथ राहत शिविर पहुंचे, प्रशासन पर राहत सामग्री ना देने का आरोप। बलरामपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, कल्याणपुर में राप्ती के कटान और पलायन की खबरों से जिला प्रशासन में मचा हड़कंप, एडीएम एसडीएम और एएसपी अरविंद मिश्रा ने किया गांव का दौरा, ग्रामीणों से बातचीत कर जानी समस्याएं, नाव और राशन मुहैया कराने के दिए निर्देश। सीतापुर के ग्राम बेहड़ा कोधरा में कच्ची दीवार गिरने से एक महिला की मौके पर मौत, दो लड़के गंभीर रूप से घायल, बारिश के चलते गिरी दीवार, लेखपाल ने पीड़ित परिवार को सरकार से हर संभव मदद दिलाने का दिया आश्वासन। बलरामपुर में रंजीतपुर रेलवे अंडरपास में भरा पानी, जिले में 12 घंटे से लगातार हो रही बारिश, अंडरपास में पानी भरने से हजारों ग्रामीण प्रभावित। फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों ने पलायन कर जंगलों में रुकने का सहारा बनाया, एबीपी गंगा ने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर बाढ़ पीड़ित इलाकों के वासियों से बात की, यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने से कई रास्ते पूरी तरह ब्लॉक। कुशीनगर में आकाशीय बिजली का कहर, बिजली गिरने से एक की मौत, दो लोग झुलसे, झुलसे लोगों को खड्डा सीएचसी में किया गया भर्ती, नाव पर सवार मछली पकड़ने गए थे तीनों लोग, खड्डा थाने में मदनपुर सुकरौली गांव का मामला। रामनगर के पीरूमदारा में हादसे का शिकार हुए दो युवक, काला डूंगी में नदी में नहाते समय डूबे, एक युवक का शव अल्मोड़ा के कुंज खेत से मिला, पुलिस कर रही दूसरे शव की तलाश। बस्ती अयोध्या हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, लखनऊ की तरफ से आ रही कार ने कंटेनर में पीछे से मारी टक्कर, कार में सवार 7 लोगों में से 5 ने घटनास्थल पर ही तोड़ा दम, कार के ड्राइवर की हालत गंभीर। केंद्र के पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र, यात्रा के एक समान नियम अपनाने की अपील। मंत्रालय ने कहा पूर्ण टीकाकरण करा चुके यात्रियों को कोविड का आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट दिखाने से दी जाए छूट। सीएम योगी ने किया वाराणसी का दौरा, जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, हमीरपुर जालौन इटावा और औरैया का भी किया दौरा, बाढ़ प्रभावित लोगों से सीएम योगी ने की मुलाकात। वाराणसी में एनडीआरएफ की बोट से निरीक्षण करने के बाद इलाकों का जायजा लेते हुए बाढ़ प्रभावितों को सीएम योगी ने बांटी राहत सामग्री, खुद नाव में बैठकर देखे बाढ़ प्रभावित इलाके। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लिया हिस्सा, यूपी उत्तराखंड सहित देश के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से की बातचीत, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जारी की 1625 करोड़ की राशि, रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को दी बड़ी सौगात। सामने आया राज्यसभा में हंगामे का सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज में दिख रही है धक्का मुक्की, विपक्ष के सांसद राज्यसभा के वेल में आकर कर रहे थे प्रदर्शन, इस दौरान बड़ी संख्या में मार्शल सांसदों को रोकने का प्रयास करने में जुटे रहे, देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई। संसद में हुए हंगामे को लेकर 7 केंद्रीय मंत्रियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विपक्ष पर तय प्लान के साथ हंगामा करने और सदन न चलने देने का लगाया आरोप। लखनऊ के योजना भवन में सीएम योगी ने स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा का किया अनावरण, स्वतंत्र देव सिंह, रीता बहुगुणा जोशी सहित कई नेता रहे मौजूद। देहरादून में सड़क पर उतरे डीएलडी प्रशिक्षित बेरोजगार, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर सचिवालय किया कूच, थाली बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। मिशन रोजगार के तहत एलटी ग्रेड के शिक्षकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांटे नियुक्ति पत्र,
लोक सेवा आयोग के चयनित 2667 एलटी ग्रेड टीचर्स और 179 प्रवक्ताओं को मिला नियुक्ति पत्र। लोक भवन में आयोजित किया गया कार्यक्रम। रोजगार को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का सरकार पर निशाना, ट्वीट कर कहा धमकी और लाठी के बजाय रोजगार मांगने वाले युवाओं को कब मिलेगा उनका हक। प्रदेश में युवाओं को प्राथमिकता देना उनका विकल्प होना चाहिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, ट्वीट कर कहा बातों की खेती करने वाले यूपी में करेंगे किसान सम्मेलन। चुनाव के समय ही बीजेपी को किसानों की याद आई, किसान भाजपाइयों के बहकावे फुसलावे में नहीं आने वाले। 2022 में किसान एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे। राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। इस मार्च में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई राजनीतिक दल शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि विपक्ष को संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है, देश की 7% जनता की आवाज़ नहीं सुनी गई, जनता की आवाज़ का अपमान हुआ है। मार्च में शामिल शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा मार्शल्स की ड्रेस में बाहर से प्राइवेट लोगों ने महिला सदस्यों के साथ जो किया उससे लगा जैसे मार्शल लॉ लगा हो, मुझे लगा मैं पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़ा हूँ। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कर, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। पैदल मार्च से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक की, विरोध मार्च की योजना बनाई गई। 20 अगस्त को विपक्ष की बड़ी बैठक, सोनिया गांधी ने बुलाई प्रमुख विपक्षी नेताओं की मीटिंग। विपक्षी एकजुटता की रणनीति पर की जाएगी चर्चा, वर्चुअल होगी मीटिंग। ममता उद्धव ठाकरे और स्टालिन भी लेंगे बैठक में हिस्सा। संसद में बने गतिरोध को लेकर मायावती का ट्वीट, संसद में हुए हंगामे को बसपा सुप्रीमो ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा संसद में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवार, बीजेपी ने कहा विपक्ष ने लगातार हंगामा करके संसद को सड़क बना दिया। संसद के अंदर विपक्षी पार्टियों और खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जो दिखाया है उससे पूरा देश और लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। यूपी कांग्रेस चुनाव कमेटी में दिग्गज नेता श्री प्रकाश जायसवाल को नहीं मिली जगह, कानपुर क्षेत्र से 5 लोगों को जगह मिलने के बावजूद श्री प्रकाश जायसवाल बाहर। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन पहुंचे बालू अड्डा, मेयर संयुक्ता भाटिया के साथ क्षेत्र का किया निरीक्षण। महापौर के निर्देश पर नगर आयुक्त ने बनाई 3 सदस्यीय जांच कमेटी, महापौर ने दिए कड़ी कार्रवाई के संकेत। लंबे वक्त से बंद यूपी में कोचिंग सेंटर को खोलने की मिली परमिशन, साप्ताहिक लॉकडाउन को छोड़कर सभी दिन खुलेंगे कोचिंग संस्थान, कोचिंग संस्थानों को कोविड गाइडलाइंस का करना होगा पालन। देश में अभी नहीं थमा कोरोना संकट, 24 घंटे में फिर आए 40,000 से ज्यादा, 41,195 नए मामले, 490 मरीजों की मौत, एक दिन में 39,069 लोग कोरोना से हुए ठीक, 1,636 एक्टिव केस बढ़े, अब तक 4,29,669 लोग गवा चुके जान। केंद्र के पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र, यात्रा के एक समान नियम अपनाने की अपील। मंत्रालय ने कहा पूर्ण टीकाकरण करा चुके यात्रियों को कोविड का RT-PCR सर्टिफिकेट दिखाने से दी जाए छूट। मंगलोर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार सांसद और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टेलीस्कोप और दूरबीन के माध्यम से सांसद को सड़कों पर ढूंढने निकले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है हरिद्वार सांसद पिछले 2.5 साल से हैं गायब, इसलिए उनको देखने की कोशिश की जा रही है। सहारनपुर में 4 दिन से चल रहा कांग्रेस का भाजपा गद्दी छोड़ो आंदोलन का हुआ समापन। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद के नेतृत्व में बेरोजगारी, महंगाई, कृषि कानून के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ निकाली गई थी पदयात्रा। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में मारे गए 2 बदमाश, उन पर 1 दर्जन से ज्यादा चोरी, डकैती, लूट और हत्या की कोशिश के मामले थे दर्ज।
श्रद्धालुओं को जल्द होंगे पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के दर्शन। 16 अगस्त से पुरी के लोगों के लिए खुलेगा मंदिर। 16 अगस्त से 20 अगस्त तक भगवान के दर्शन के लिए प्रवेश की मिलेगी अनुमति। 23 अगस्त से सभी श्रद्धालु कर सकेंगे पूजा। इसरो का EOS-3 सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन फेल। आखिरी वक्त में क्रायोजेनिक इंजन ने बिगाड़ा खेल। सुबह 5:43 पर शुरू किया गया था प्रक्षेपण। इंजन में खराबी के कारण समय से 10 सेकंड पहले ही इसकी लॉन्चिंग टालनी पड़ी। इंडियन रेलवे अपने यात्रियों को अब और बेहतर सुविधाएं देगा। रेलवे ने 45,881 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। अभी कई सौ किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा होना बाकी है। विद्युतीकरण पूरा होने के बाद यात्रियों को तेज और सुचारू ट्रेन सेवाएं मिलेंगी।